मोदी सरकार मुर्दाबाद कहती है हम पांच रुपए से दस रुपए देंगे ज्यादा नहीं देंगे चाहे पाँच सौ रुपए लीटर तेल हो जाए पर क्या करें गरीब भी परेशान है वो कहाँ से पैसे देंगे भाई जब नौकरी नहीं है फैक्ट्री नहीं है तो कहाँ से देंगे बातें तो बहुत करते हैं कि नहीं हमने तो बहुत कर दिया जी देश अच्छा चला दिया देश क्या अच्छा चला देश को तो बर्बादी में कर दिया फैक्ट्रियों में काम किया फैक्ट्री बंद हो गई काम नहीं अगले कहते जूती पाओ तो घर चल जाओ अनुकाम नहीं है की करिए क्या जनता इसलिए तेरे को बनाया पाँच साल में बताओ नोटबंदी किया उसमें गरीब आदमी लाइन में लगे पैसा मिला बड़े लोगों को गरीबों ने आज धक्का खाया जीएसटी लगाया जूतों को जीएसटी लगा रहा है बनियाई को लगा रहा है कच्छा को लगा रहा है सभी को लगा रहा है दाढ़ी बनाने वाले को भी टैक्स लगा दिया टैक्स देगा कि पेट चलाएगा क्या करेगा आगे तो रामदेव ने भी कहा था कि पेट्रोल के रेट है जो कम किए जाएंगे कैसे देखते हो बाबा रामदेव तो बोलता था कि पेट्रोल के दाम पैंतीस रुपए आ जाएगा मोदी जी आ जाएंगे बताओ डेढ़ आग वाला बोलता था ए अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन तो तुम्हारे आए हैं हमारे तो बुरे दिन आ गए हैं ना अच्छे दिन तुम्हारे आए हैं अरे किसानों को किसी को कोरोना नहीं है ना ही होगा कोरोना किससे हुआ है ये जो रैली किए हैं बंगाल में लाख जनता बीजेपी ने कष्टा किया वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਆਮ ਮੰਗ ਰਹਾ ਆ ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹਾ ਬੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੁੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦੀ ਅਰੇ ਮੋਦੀ ਕੋ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਉਸਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਧਰਮਵੀਰ ਲਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮਰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 1990 ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਲਵਾ ਚੜਦੇ ਆ क्या नाम है जी मेरा नाम ददन पटेल है जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ बहुत परेशान हूँ ऑटो नहीं चल रहे हैं तेल महंगे के कारण सवारी नहीं बैठती है बैठने के बाद बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है तेल के रेट बढ़ रहे हैं बताओ सौ रुपये लीटर हो गया सवारी कहती है हम पाँच रुपये से दस रुपये देंगे ज़्यादा नहीं देंगे चाहे पाँच सौ रुपये लीटर तेल हो जाए पर क्या करें गरीब भी परेशान है वो कहाँ से पैसे देंगे भाई जब नौकरी नहीं है फैक्ट्री नहीं है तो कहाँ से देंगे उसको तो इतनी बात समझना चाहिए अरे बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है उसको ये नहीं समझ आ रहा शिवराज चौहान को आलू प्याज सड़ रहे हैं गंडे सड़ रहे हैं किसानों को उसके ऊपर दे देखभाल नहीं कर रहा कितने कितना टन गेहूँ सड़ गया है अभी बारिश पड़ी हुई थी क्या छत नहीं कर सकता है बातें तो बहुत करते हैं कि नहीं हमने तो बहुत कर दिया जी देश अच्छा चला दिया देश क्या अच्छा चला देश को तो बर्बादी में कर दिया गरीबी में कर दिया आज जनता गरीब परेशान हो रही है कोई फैक्ट्री लगाओ मजदूर का काम करे बेले फिर रहे हैं नशा इतना हो गया रोडों में गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं कोई साइड पे नहीं करता है अगर पुलिस वाले कहते हैं तो कहते हैं नहीं तो हमारी तो लीडरों से बात भी है छोड़ दो लो फोन करो हमारे से बात करो ये ये चीजें क्यों होती है नो पार्किंग सन नब्बे से आया हूँ आप ऑटो चला रहे हो नहीं पहले पहले क्या फैक्ट्रियों में काम किया फैक्ट्री बंद हो गई काम नहीं अगले कहते जूती पाओ तो घर चल जो सानू काम नहीं है की करिए फैक्ट्रिया लाइन से काम नहीं है तो बंदा करेगी ऑटो चलाएगा रक्षा करेगा मिट्टी खोदेगा क्या करेगा किसान का कर बेटा क्या करेगा अगर अगर मध्य प्रदेश की शासन वहाँ अच्छा काम करे बीजेपी अच्छा करे तो जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं वो पंजाब के अंदर एंट्री नहीं होंगे देखो आज यूपी बिहार का कितना है यहाँ काम नहीं है वो मंत्री इतने पैसे पा रहे हैं इतने लीडर बना रहे हैं इतने इतने टेंडर बना रहे हैं उनको क्यों बना रहे हो गरीबों को बेरोजगारी है उनको रोजगार दे तो पंजाब में जाए जो पंजाब के बेचारे प्रवासी हैं वो अमेरिका कनेडा जाते हैं बच्चे पालने जाते हैं उनको शर्म नहीं आ रही है मोदी सरकार को ये सब बातें करने को क्या? आज हमने? आज किसान भी तरना दे रहे हर बंद नजर आ रहा। ना, किसान ना दी सुन रहा ना आम जनता होगी नहीं सुनेगा अब इलेक्शन आएगा 2022 में इलेक्शन होगा पंजाब में होगा तो उसको सुनना पड़ेगा अगर नहीं सुनेगा तो वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को नहीं मिलेगा वोट और जो हमने बीजेपी को वोट दिया वो हमारे वोट वापस करे क्यों नहीं करता है वोट वापस क्या जनता इसलिए तेरे को बनाया पाँच साल में बताओ नोटबंदी किया उसमें गरीब आदमी लाइन में लगे पैसा मिला बड़े लोगों को गरीबों ने आज धक्का खाया जीएसटी लगाया जूतों को जीएसटी लगा रहा है बनियाई को लगा रहा है कच्चा को लगा रहा है सभी को लगा रहा है दाढ़ी बनाने वाले को भी टैक्स लगा दिया टैक्स देगा कि पेड़ चलाएगा क्या करेगा आगे कितनी बड़ी मजबूरी है गरीबों के पास ये तो सुने सरकार बेफालतू में पैसे क्यों बर्बाद करती है जहाँ पैसे लगना वहाँ लगाए देखो आज बोलती है हम राशन देंगे अरे गरीब कुछ नहीं मांग रहा कि राशन चाहिए महंगाई को कंट्रोल करे ना सरकार महंगाई को आज कंट्रोल कर दे सरकार से ना सिलेंडर लेगी ना गेहूं लेगी ना चावल लेगी किसान अपने बल बूते मेहनत करके और अच्छा कमाएगी जैसा देश चलता था दो हजार साल से कांग्रेस ने सरकार चलाई बहुत बढ़िया चलाई कहती थी हमें भी खाने दो आप भी खाओ तो कारोबार था भूखे तो नहीं मरे पर जब से मोदी आया तो हम लोग भूखे मरने वाला हिसाब हो गया जो बाबा रामदेव है जब सत्ता में आना था मोदी साहब ने तो रामदेव ने भी कहा था कि पेट्रोल के रेट है जो कम किए जाएंगे कैसे देखते हो बाबा रामदेव तो बोलता था कि पेट्रोल के दाम पैंतीस रुपए आ जाएगा मोदी जी आ जाएंगे बताओ डेढ़ आग वाला बोलता था अब आज कहाँ गया है आज तो बातें करता नहीं है ना मोदी की बात आती ना मोदी की कोई खबर आती है? दिन अच्छे दिन तो तुम्हारे हमारे तो बुरे दिन आ गए दिन तुम्हारे आए हैं कौन सा दिन बढ़िया आ रहा है आज तक है? अच्छे दिन ऐसा दिन आ गया कलयुग तो ने कहा रामचंद्र गए कह से ऐसा कल युग आएगा तो भगवान ने बोला था जो आज घरों में सर्वनाश हो रहा है शराबे पी रहे हैं मीट मच्छी बन रहा है उसको क्यों नहीं बोलते मांस पक रहा है उसको बोलते नॉन इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेज हम तो पढ़े नहीं हैं आजकल के नौजवान बोलते हैं नॉन वेज खाओ तो ताकत आएगी और किसानों का चना खाते थे तो, तो कितना मजबूत थे पत्थर की तरह थे पलवान थे आज दवाइयाँ खा रहे हैं यूरिया पड़ रही है खादे इतने महंगी है तूने किया महंगाई को सब चीज़ में टैक्स लगाया है गाड़ियों के रेट बढ़ाया है आज किसान नौजवान मर रहे हैं भूखे पियासे पड़े हुए हैं दिल्ली में धरना लगाए हुए हैं बोलते हैं किसानों को कोरोना हो गया है अरे किसानों को किसी को कोरोना नहीं है ना ही होगा कोरोना किससे हुआ है ये जो रैली किए हैं बंगाल में लाख जनता बीजेपी ने कष्टा किया वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ आज बोलते हैं गरीब रोटी कहाँ से खाए उसमें बोलते हैं कोरोना है तब आप रैली करते हैं तब तो कोरोना नहीं आता है तो किसान रैली ना करे किसान कहाँ जाए भाई किसान तो अपने हक के लिए मर रहा है कि नहीं मर रहा है आज उसकी मांगे पूरा कर दो चौबीस घंटा के अंदर आज उसकी मांगे पूरे कर दो किसान को पता ना लगे आज फोन आ जाएगा किसान भाई जाओ आप फ्री हो गए हो किसान बहुत बढ़िया खुशहाल हो के जाएगा किसान क्या मांग रहा है आपसे कोई तनख्वाह नहीं मांग रहा है वेतन नहीं मांग रहा अपना हक मांग रहा है आप उसको साठ हजार महीने तनख्वाह दे रहे हैं यहाँ बेचारे दो सौ रुपये की तनख्वाह के लिए मर रहे हैं दो सौ रुपये कमाते हैं कहते जेब में आ जाए तो हमारा पेट चले और मोदी साहब तो आंदे से अच्छे दिन लेने अच्छे दिन कहाँ आए अच्छे दिन तो उसके आए हैं अच्छे दिन तो उसके आए कहते हैं रावण अहंकार था ना उसका भी घमंड टूट गया है ऐसे नहीं जब गरीब वोट देता है ना तो गिराता भी है उतारता भी वही है चढ़ाता भी वही है ये मत सोचो आज तीन लाख आटो वाले अमृतसर में है ना अगर जिस तरह वोट डाल देंगे ना उसकी जय जयकार हो जाएगी ये भी मेरे लिए दसू जिमे मोदी सरकार ने दर्द क्यों नजर नहीं आ रहा किसान वीर भी जड़े ने उ दिल्ली बॉर्डर से बैठे हुए हैं उन्होंने दर्द नजर नहीं आ रहा अरे मोदी को क्या नजर आएगा भाई उसके बच्चे हैं उसके जनानी हैं उसके कोई नहीं है चाय बेचता था दो रुपए कप चाय बेचता था वो वो दर्द क्या जानेगा जिसने अपनी जनानी को तलाक दे दिया उसका दर्द नहीं समझा ए, अच्छी अच्छी उसके पास औरतें हैं तो क्या करेगा अपनी औरत को रख के तू नौकरी कर दिहाड़ी कर जा तू मेरे से तलाक ले दस लाख बीस लाख उसको क्या फर्क है अगर गरीब को पाँच हजार भी मिल जाए ना महीने में तो वो भी बहुत खुश हो जाता है मगर वो खुश नहीं होगा और वो पैसे क्या करेगा पैसे अंबानी अंडानी को दे रहा है उसके जेब में डाल रहा है सारा पैसे उसको क्यों दे रहा है तेरे बच्चे होते तो तेरे काम आता है देश के भविष्य के बारे में सोचता है ये सब चीज़ें मोदी जी को नहीं करना चाहिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं तेल पेट्रोल का रेट मत बढ़ाएं रोज़ अगर तेल का रेट बढ़ाना है तो सीधे पाँच रुपया कर दे तो गरीब मर जाए कहानी ख़त्म हो जाए कहते हैं पैसे के लिए तो कहते हैं पैसा हमारा बाप है अरे पैसा नहीं है कहते जो पच्चीस रुपए का घड़ा होता है ना वो भी टूट जाता है धरती में समा जाता है मिलता नहीं है तो बोलते हैं कि कहते एक मिनट की मोहलत दे दे कर मैं बेटे से बात स्वर्ग से आयो है संधे से बुलायो मेरे राम जी कंधा तेरा कुछ नहीं है कंधा बेटी मेरी है बेटा मेरा रे तेरा काहे का है बेटा तो पड़ोसी बन जाता है बेटी को जो आई ले जाता है तुम्हारा कुछ नहीं है जो आप कमा रहे हैं पाँच सौ कमा रहे दो सौ कमा रहे उसी में खुशहाल रहो और उसको परमात्मा से प्रार्थना करो और इस लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं है और किसानों को उसी समय आप ना फ्री कर दो किसान बेचारे चले जाए उनको परेशान मत करो और किसान आपसे खुश हैं और जब किसान की बात नहीं मानेगा बच्चा नहीं मानेगा तो बच्चा माँ मा, बाप से मांगेगा कि हमको दे दो पांच रुपए हमने टॉफी खानी है अटल जी मोदी सरकार जब भी न, मन की बात कर दी है ना कि मैं देश का भला सोचा है देश की नुहार बदल देती है देश के बारे में क्या हाथ डाल दिए है सोने के गरीबों को क्या डाल दिया है आप है देश के बारे में क्या किया कुछ नहीं किया है आज आज देखो पेट्रोल इतना महंगा डीजल महंगा है बोल रहे हैं देश के बारे में कर रहे हैं कहाँ देश के बारे में कर रहे हैं जनता को पता है जनता को पता लग रहा है धीरे धीरे ये मत सोचे कि हम यूपी से जीत जाएंगे कि योगीनाथ जीत जाएंगे कि मध्य प्रदेश से जीत जाएंगे आप जनता को समझ आ रहा है जो आप लॉकडाउन लगा कर इतनी महंगाई कर दिए हो ऐसी महंगाई कभी जिंदगी में नहीं हुआ लॉकडाउन में तो आपको महंगाई करनी नहीं चाहिए और जिस दिन इलेक्शन आ जाएगा उस दिन पेट्रोल कर देगा पचास रुपये लीटर ले जी जब बोटे पड़ जाएगी सीटें मिल जाएगी तो कहेंगे सौ रुपये लीटर है जी तेल आप, आप क्या करें अरे इसको भी जीएसटी लगाओ ना जो पंप में तेल मिलता है इसको जीएसटी लगा दो आज पाकिस्तान में पचास रुपये लीटर तेल रहा है बोलते हैं हम बाहर से कच्चा तेल महंगा है नारियों को सिलेंडर बांट दिया इसीलिए बांटे हो ये देश को बर्बाद करने के लिए बांटे हो ये मैंने ये वोट पंजाब की बनी है या मध्य प्रदेश की बनी है वोट यहाँ की बनी है और मोदी सरकार से विनती है कि आधार कार्ड से भारत का निवासी वोट डाल सकता है राशन कार्ड मत बनवाए दूसरी बात अठारह प्रूफ मत बनवाए सरकार के स्कूली बच्चे पढ़ते हैं उनके पास पैसा नहीं है सुविधा के अंदर जाओ जी वहाँ से बनवाओ वहाँ सौ रुपये देते हैं अठारह तो प्रूफ बनवाते हैं क्या करे जनता जो पैसा रहता है वो सरकार को दे देती है टैक्सी ना है ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ تھے ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ تھے ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਜ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਜ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਮੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲੂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ ਹੈ वो कभी आम आदमी में चले जाते हैं कभी कांग्रेस में चले जाते हैं पर कभी बीजेपी में चले जाते हैं आप एक पार्टी में रहो और अच्छा रहो चाहे आप कांग्रेस में जाना चाहते हो कांग्रेस में चले जाओ जो आम आदमी में रहना तो आम आदमी में रह जाओ बिजली पानी सस्ती मिल जाएगी बस इतना हो जाएगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा और पंजाब के अंदर बिजली और पानी जो है उसका रेट नहीं बढ़ना चाहिए कैप्टन साहब से भी हमारी निवेदन है कि बिजली पानी मत बढ़ाओ टैक्स ज़्यादा पंजाब के अंदर मत मिलाओ और गरीबी में पंजाब जूझ रहा है और पंजाब अमृतसर में कारोबार नहीं है और होटल जिम इनका सब का काम चलना चाहिए और खोल दो रात को दस बजे तक اگر آپ نہیں کھولتے ہو تو پھر پٹرول پمپ بھی بند کر دو اور ٹھیکے بھی بند کر دو۔ بٹل جی 2022 دیਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀ ਆٹے ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਆٹے ਦੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੀ ਹਸਤੇ ਨਾ ਲਿਓ ਆਟਾ ਨਾ ਲਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਕੀਮ आप मेहनत करो अपनी मेहनत की कमाई खाओ खून पसीने की कमाई खाओ सरकार की कोई बेनिफिट न लाओ और सरकार का कोई भी सामान नहीं चाहिए गरीबों को गरीब कहता हमें बेरोज़गार हैं हमें काम चाहिए हमारे लिए फैक्ट्रियाँ लगाओ ज़्यादा टैक्स न लगाए जाए कंपनी वालों को भी